गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात कर रहे हैं। देखिए, माइक्रोब्स की यदि हम बात करें तो किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा और फंगी, तीन किंगडम जो हैं वो माइक्रोब्स के, एनिमल और प्लांट को छोड़कर। लेकिन बिना इन तीन किंगडम के, यानी मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगी के, एनिमली और प्लांट किंगडम किसी प्रकार से ना तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते और ना वो उनका डाइजेशन कर सकते। सो द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। सो माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वायरड्स एंड आल्सो प्रियोन दैट आर प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया जाते हैं। ये बैक्टीरिया किस तरह के हैं? गुड और बैड दोनों तरह के हैं, अच्छे और बुरे। सिंगल सेल वाले हैं और ये इनसे हम एंटीबायोटिक भी प्राप्त करते हैं, जो कि दोज केमिकल विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम सम ऑर्गेनिज्म एंड किल अनदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इनसे विटामिन भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। वायरस की जहाँ तक बात करें तो ये वायरस जो है वो इनका दुरुपयोग, या कह सकते हैं कि इनके बुरे काम ज़्यादा हैं। ओनली बैड पैरासाइट इस 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से 100 गुना छोटे होते हैं। इनसे भी कुछ मात्रा में जो है विटामिन को किल करने का, विटामिन सी इनको किल करने का काम करता है। फंगी की जहाँ तक बात करें तो मोल्ड और ईस्ट, फंगस से हमको ज़रूर बहुत से एंटीबायोटिक भी प्राप्त होते हैं। ये भी बात है कि फंगस प्लांट्स और एनिमल दोनों में बीमारी फैलाने का एक प्रमुख कारण भी है। एल्गी की बात करें तो टिनी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जिनमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते, थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, और इनका उपयोग जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, या कह सकते हैं हम कि ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ब्लू ग्रीन एल्गी तो माइक्रोब्स बैक्टीरिया में आते हैं, लेकिन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। जहाँ तक प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। मलेरिया का प्रमुख कारण जो है प्रोटोजोआ है, जो कि जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। आर्किबैक्टीरिया की बात करें तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को बचाए रख सकते हैं। सो दीज आर द माइक्रोब्स, दैट मीन्स बैक्टीरिया किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, और फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब के सब किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में हैं, रोटीवर्स में। वायरस नॉन लिविंग है, किसी भी किंगडम में इनको शामिल नहीं किया गया है। तो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, रोटीवर्स, वर्म्स और वायरस, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, हमारी बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एक्स्ट्रोमोफिल्स बोलते हैं इनको, जैसे थर्मस एक्वाटिकस 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर भी ये जीवित रह सकता है। साइक्रोफिल्स, एसिडोफिल्स बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में भी, और एल्कोफिल्स बहुत ज़्यादा अल्कलाइन मीडियम में जिंदा रह सकते हैं। बैरोफिल्स बेयर रॉक पर, और हेलोफिल्स ऐसी जगह जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में नमक पाया जाता है, हेलोफिल्स वहाँ जिंदा रह सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, हमारे नोज़, ईयर, लंग्स, स्टमक, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, वेजाइना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दैट मीन्स द माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सो दे आर ओमनी प्रेजेंट। माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखाई देते हैं, ध्यान से देखिए। ई कोलाई इस तरह से दिखाई देगा। स्टेप्टोकॉकस, कॉकस मतलब होता है ये बैक्टीरिया, गोल आकार के होते हैं, जब गुच्छे के रूप में होते हैं तो इनको स्टेप्टोकॉकस कहा जाता है। ई कोलाई जो है वो रॉड शेप्ड जैसे दिखाई देते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया ये एक माला के जैसे स्ट्रक्चर इनकी दिखाई देती है। ईस्ट की बात करें तो ये छोटे छोटे रसगुल्ले के जैसे स्ट्रक्चर हैं, और एस्पलस जिलस नाइगर में ये फंगस जो है वो इसका कोनिडिया हमको दिखाई दे रहा है। वायरस, जो कोरोना फैमिली के वायरस, जो आजकल कोरोना बहुत अधिक फैल रहा है, तो ये देखिए, ये बाहर की ये इसकी मेम्ब्रेन रहती है और अंदर ये न्यूक्लियस इसका भरा रहता है, जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो वायरस कोरोना फैमिली का है। टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप दिखाई दे रहे हैं, और बैक्टीरियोफेज इस तरह का रहता है जो कि अपने लेग के द्वारा ये बैक्टीरिया को किल करने वाला वायरस है। माइक्रोब्स, ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लैब, लैब में जहाँ तक बात करें, बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम। न्यूट्रिटिव मीडियम के रूप में हम नारियल का पानी ले सकते हैं, फॉर्म कॉलोनीज, और साल्ट भी उपयोग कर सकते हैं। कैन सीन बाय नेकेड आई एंड वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इस तरह से
बैक्टीरिया की कॉलोनी आपको इस तरह से पेट्री डिश में दिखाई देगी। ठीक है, ये कॉलोनी ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस, ये फंगस है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है। इसके बाद हम माइक्रोब्स की और गहराई से अध्ययन करें तो माइक्रोब्स कॉज मैनी डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन एंड डाइवर्स बेब। यहाँ देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन फिक्सिंग में बैक्टीरिया का बहुत अधिक महत्व है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट नोड्यूल्स ऑफ राइजो लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियाँ जैसे कि टिटेनस, प्लेग, लेप्रोसी, टाइफाइड, कॉलरा, ठीक है, डायरिया, निमोनिया, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टिटेनस, प्लेग, लेप्रोसी, ये बीमारियाँ बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। जहाँ तक ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, इडली डोसा बनाने में, जलेबी बनाने में, डबल रोटी, पाव रोटी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जिसमें ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी विशेष इंपॉर्टेंट रहता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ईस्ट की बात करें तो ये अल्कोहल बीवरेज प्रोडक्शन में काम आता है। सीवेज ट्रीटमेंट में बात करें तो तमाम प्रकार की जो गंदगी है, जिसे हम गीला कचरा कहते हैं, माइक्रोब जो है उसको यूजफुल बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ तक बायोगैस की बात करें तो मिथेनोजन बैक्टीरिया गोबर और उसके साथ अन्य हरी घास को बायोगैस मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी बैक्टीरियोफेज जो है वो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। और बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो एजुला, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सब बायो फर्टिलाइजर का काम हमारे लिए करते हैं। तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।